छुट्टी का अच्छा यूटिलाइजेशन है। तो ये अभी आज संडे का दिन भी है, करवा चौथ भी है, और ये आज सुबह से ही लग गए हैं। ये सब मार्केट से खरीद के लाए, दिवाली वाली लाइट, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं तो लगाने के लिए। मेरे वहाँ थोड़ा बालकनी में एक प्रॉब्लम है कि एक ही मतलब प्लग है, तो जिसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में। तो ये आज सुबह से ही लगे थे इस काम में, मिस्त्री ढूंढ रहे थे हम लोग, कोई मिला ही नहीं आज, क्योंकि आज संडे भी है इसलिए। तो ये खुद ही लगाने लगे थे और लगा भी ली थी इन्होंने। मैं इवनिंग में दिखाऊंगी आपको, बहुत ही अच्छा लग रहा था बालकनी। तो अभी हो गया है शाम, इवनिंग का टाइम, और मैं कर रही हूँ तैयारी पूजा की। तो उससे पहले मैं पैर में लगा लूँगी आलता, ये मेरे वहाँ जब भी कोई पूजा होती है जरूर लगाया जाता है। ससुराल साइड में, मायके में तो ये नहीं लगाते हैं मेरे वहाँ पे, लेकिन ससुराल में जब भी कोई पूजा होती है इसे जरूर लगाया जाता है, एक शगुन के तौर पे माना जाता है। इसको लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो आज मैं दूसरे तरीके से लगा रही हूँ। और ईयरबड्स जो होता है ना, मैं उससे लगाती हूँ। बहुत सारे लोग फिंगर से लगाते हैं, लेकिन मुझे आता नहीं है लगाना, तो इसलिए मैं ईयरबड से इजीली लगा पाती हूँ, कंफर्टेबल हूँ उसे लगाने में। तो लगा लूँगी फिर, मैंने कहा पहले यही लगा लूँ ताकि थोड़ा सूख जाए, वरना ना ये कपड़ों में लग जाता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले इसको लगा के सूख जाएगा, फिर बाकी के काम करते रहूँगी, फिर अपनी तैयारी फिर मैं शुरू करूँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम का टाइम है। और करवा चौथ की कथा ना शाम को ही सुनी जाती है, मतलब 4 से 5 के बीच में, मतलब संध्या जो होती है उससे पहले सुन ली जाती है, अंधेरा होने से पहले इसकी कथा। इसकी कथा में यही होता है। और हमारे वहाँ पे इसकी कथा जो है वो मंदिर में सुनी जाती है, या फिर जिनके घर में मतलब कोई बड़ा बुजुर्ग होता है वो सुनाता है, या फिर मंदिर में पंडित जी सुनाते हैं। तो अभी मैंने बिछुए पहन लिए हैं और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से अपनी प्लेट लगाने के लिए पूजा की। जो पूजा में सामान चढ़ता है, ये करवा चौथ में ना ये फीकी और मीठी जो मठरिया कहते हैं, तो वही चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, और फल और मिठाई ये सब चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चढ़ना जो होता है ये जरूरी होता है, जो चंदाकार की जो कहते हैं ना मठरी, वो चढ़ती है जरूर से। तो ये मेरा पूरा सामान है, करवा चढ़ाया जाता है, मठरी चढ़ाई जाती है, वो मैंने रख लिया है, और प्लस और करवा चौथ की तैयारी देखिए शुरू हो गई है। और सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए ये लोग अपने अपने हस्बैंड की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कर रहे हैं। ये लोग हर साल में एक बार रिन्यू होता है, तो इस साल भी रिन्यू का डेट आ गया है। और आज है, प्रीमियम भर दीजिएगा। आज कितनी तारीख है? आज 24 तारीख है। आज 24 तारीख है और शाम के बजे हैं 4, और 4 बज गए हैं। और ये देखिए तैयारी शुरू हो गई है। उसके बाद ये प्रसाद है, लड्डू डूबी है भाई, हाँ लड्डू भी तो यहाँ चढ़ाऊंगी ना, लड्डू यहाँ चढ़ा दूंगी मंदिर में, सेव भी तो रखो। रख तो दिया। अच्छा, क्या पूजा है? पूजा का पूजा घर है ये, और पॉलिसी रिन्यू करने करने का टाइम आ गया है 1 साल का ये। अच्छा, मुझे लगा ये पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन ये पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ये कुछ है। कुछ नहीं है, इन्हीं की पूजा होती है, यही करवा माता होती है, इन्हीं की पूजा होती है, टर्म और कंडीशन तो मुझे लगा शायद पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन है ये। तो यही होती है करवा माता, जिनकी पूजा की जाती है, और इनको मंदिर में आज के दिन रखा जाता है, और पूजा करके फिर उसके बाद घर में जब आप पूजा कर लेते हैं तब आपको बाहर जाके मतलब मंदिर में कथा सुननी होती है। तो अभी मैं शाम की वही जल वल लेके ये सब तैयारी कर रही हूँ सब, और पूजा की, और घर पे दिया जलाने के बाद मैं जाऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो टाइम हो ही चुका है कथा का। और तो मैं अभी थोड़ा आराम आराम से भी कर रही थी, क्योंकि मेरी पड़ोसन जो थी उसको भी चलना था मेरे साथ, लेकिन अभी वो रेडी नहीं है। क्या बात कर रहे हो?
लाया मैं ना, तो इसे मैंने ठूस और दिया। ये देखिए ये लड्डू है जो भगवान जी को चढ़ने जा रहे हैं, एक अपनी थाली में रख लेते उसके बाद फिर हमारे पेट में आएगा। भगवान जी खा रहे फिर हम खा लेंगे। भगवान जी का तो बहाना होता है, खाना तो हमें ही, हमको ही खाना होता है। खाना तो हमें ही होता है। अभी मैं करने लगी हूँ पूजा और दिया जलाऊंगी, और फिर उसके बाद बस यहाँ की पूजा हो गई हो जाएगी और फिर मैं जाती हूँ मंदिर। और आज मौसम भी थोड़ा ख़राब ही लग रहा है, पता नहीं क्यों आज, मतलब बादल बार बार गरज रहे, बारिश हो तो नहीं रही है लेकिन बादल गरज रहे हैं, तो मे भी शायद बारिश हो ना जाए कहीं लग रहा है। तो अभी बस मैं जाती हूँ फटाफट से मंदिर, वरना कहीं लग रहा है कि बारिश ना स्टार्ट हो जाए। तो घर पे पूजा हो गई है, सबको तिलक कर दूंगी भगवान जी को, और फिर अब जाती हूँ मंदिर, और मंदिर जाके फिर आऊँगी, फिर आपसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो ऐसे ही पूरा दिन रहता है सिंपल, इसी तरीके से मैं करवा चौथ अभी सेलिब्रेट करती मंदिर जा हूँ रही अपना। हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। और मैं हो गई हूँ करवा चौथ के लिए पूरा रेडी। आज मैंने पहनी ये वाली साड़ी, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है ये, पता है ये साड़ी मतलब इतना लाइट वेट है, इसका दिखाती हूँ आपको अभी। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है और मतलब लग ही नहीं रहा है कि मतलब कुछ पहना है। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। पूरा लुक दिखा दीजिए एक बार तो। पूजा के लिए जा रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है और ये सब मैंने रेडी कर लिया है, करवा और वहां चढ़ाने के लिए प्रसाद और ये सब चीजें, और अब ये हो जाएंगी पैक। अब मैं ले लूँ अपनी चुड़ैल। आप लोगों को जाने से पहले मैं पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ, फिर जाती हूँ मैं। और ये चुनर ली जाती है साथ में हमारे वहाँ पे, जब भी पूजा होती है ना, तो जो शादी में कुछ लोग शादी में जो चुनर होती है वो लेते हैं, मतलब जो जिस टाइम पे उनकी शादी होती है वो चुनर पहनते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसी चुनर जो पूजा में ज़्यादातर यूज़ होती है। और आपने देखा होगा इस चुनर को मैं हर पूजा में यूज़ करती हूँ, तो ये थोड़ा लाइट वेट भी है ना, शादी वाली बहुत भारी है, तो इसी को लेके जाती हूँ। और हमारे वहाँ पे देखिए पूरा बहुत ही अच्छी कथा होती है, इस तरह से पंडित जी सुनाते हैं, सारी औरतें साथ में ही करती हैं। तो इतने इतने के राउंड, मतलब स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो एक बार राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड में भी ये लोग जाएंगे, फिर दूसरे लोग कथा सुनेंगे, तो इस तरीके से ये चलता है। और पंडित जी यहाँ बैठे हैं पीछे और वो कथा सुना रहे हैं अभी। और ये किस किस के वहाँ होता है ये वाली रसम, थाली बांटना कहते हैं इसको, मतलब थाली बटाई जाती है, थाली को ऐसे राउंड राउंड लेके घुमा जाता है, तो ये वो ही हो रहा है। और ऐसे मतलब 5 या 7 बार अलग अलग तरीके से लोग करते हैं इसको। और ये देखिए ये इंश्योरेंस का प्रीमियम भर के आ गई। ऐसे थोड़ी ना प्रीमियम भरा जाएगा, प्रीमियम भरवाना है ना तो उसका पेमेंट भी लगता है, ऐसा थोड़ी ना लगता है। मेरी पूजा भी हो गई है, मैं कथा करके मंदिर से आई हूँ, अच्छे से पूजा हो गई। और ये देखिए टन 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 टन, तो अभी मैं चलो इसको रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।